हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे केयर में स्वागत है। आज हम देखेंगे रोटेट कमांड। ऑटो केयर में अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो आप रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। रोटेट के लिए आपको पूरा रोटेट लिखना पड़ेगा, या तो आरओ, या तो फिर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी रोटेट है। और अगर आपको टूल आइकॉन से जाना है तो मॉडिफाई मेनू है, वहाँ पर रोटेट है, या तो फिर आप रिबन टूल बार से भी जा सकते हैं रोटेट। फिर रोटेट में आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बेस पॉइंट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एंगल देना पड़ेगा। जो एंगल होगा, अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। तो मैं आरओ एंटर कर रहा हूँ रोटेट कमांड के लिए। बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, फिर बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, वो पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट पे फिक्स रहेगा। मीन्स अगर आप इसको बेस पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट फिक्स रहता है, तो यहाँ से रोटेशन होता है। वैसे ही अगर आप इसको बेस पॉइंट लेंगे तो यहाँ से रोटेशन होगा, अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ से रोटेशन होगा। वैसे अगर आप सेंटर लेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर, तो वहाँ से रोटेशन होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बेस पॉइंट लेना है, कहाँ से रोटेशन करना है। फिर आपको रोटेशन एंगल टाइप करना है, पॉजिटिव नेगेटिव आप ले सकते हैं। सपोज मैं अभी 30 डिग्री ले रहा हूँ, तो 30 डिग्री पे रोटेशन हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो गया। अभी वैसे ही बेस पॉइंट माइनस 30 डिग्री, आप देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो गया। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से रोटेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आपको रोटेट के साथ कॉपी भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेट कमांड के अंदर ही कॉपी ऑप्शन है। अभी क्या हो रहा है कि जब आप रोटेट करते हैं तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाता है। मीन्स अगर मैं इसको रोटेट लूँगा बेस पॉइंट, तो यहाँ से रोटेशन होगा 90 डिग्री, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे भी चाहिए और दूसरी जगह पे भी चाहिए, तो रोटेट मैं यहाँ पे बेस पॉइंट ले रहा हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट सी एंटर है, या तो फिर आपको कॉपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। अभी आपको एंगल लेना है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ पे रहेगा, उसकी कॉपी रोटेट होगी। तो मैं टाइप कर रहा हूँ 180 डिग्री, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, उसकी कॉपी अभी रोटेट हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। वापस दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेस पॉइंट कॉपी, तो दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेंगे और मैं उस ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री पे रोटेट करूँगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह से 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे। कॉपी, अभी जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वो अपनी जगह से 45 डिग्री मुझे रोटेशन करना है, तो 45। तो इस टाइप से आप जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके कॉपी का यूज़ करके आप कॉपी भी कर सकते हैं और उसका रोटेशन भी हो जाएगा। तो एक ही कमांड में कॉपी रोटेशन दोनों हो गया, इसके लिए कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन है रेफरेंस। सपोज एक रेक्टेंगल है, उसको मैंने कोई एंगल पे रोटेट कर लिया, सपोज 143, तो 143 एंगल पे रोटेशन हो गया। अभी मुझे उसको कोई दूसरे एंगल पे रोटेट करना है, सपोज 62 डिग्री पे ले जाना है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आपको नहीं करना है, डायरेक्ट रोटेट कमांड लेना है बेस पॉइंट, और आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस है, तो आपको रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस एंगल में जो आपका करंट एंगल है वो टाइप करना है। अभी एंगल कितना है, तो 143, तो वो टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द न्यू एंगल, आपको नया एंगल कौन सा चाहिए, तो नया एंगल चाहिए 62 डिग्री। जैसे आप 62 डिग्री देंगे तो वो एब्सोल्यूट एंगल से, जीरो एंगल से, उतना एंगल रोटेशन हो जाएगा।
तो रेफरेंस में जो आप करंट एंगल टाइप करेंगे वो 0 डिग्री से वापस न्यू एंगल पे रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस एंगल, करंट एंगल लेना है और न्यू एंगल लेना है। वापस एक बार देख लेते हैं, बेस पॉइंट रेफरेंस, करंट एंगल कितना है तो 62 है, तो 62 टाइप करना है। नया एंगल कितना चाहिए तो 177 चाहिए, तो उतने एंगल पे रोटेशन हो जाएगा। जब आप यहाँ पे रेफरेंस का यूज़ कर रहे हो उस टाइम आप कॉपी भी ले सकते हैं, कॉपी अभी रेफरेंस रोटेट बेस पॉइंट कॉपी रेफरेंस, रेफरेंस एंगल 62, नया एंगल 144। तो आप देखेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट रोटेट कॉपी उसकी 144 एंगल पे। फिर रेफरेंस के अंदर एक ऑप्शन है कि सपोज आपका ऑब्जेक्ट कोई एंगल पे है, अभी मुझे क्या करना है कि ये जो फेस है रेक्टेंगल की वो मुझे यहाँ पे मैच करनी है, लेकिन इसका एंगल नहीं पता, इसका एंगल नहीं पता है, तो आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, बेस पॉइंट रेफरेंस। तो ये जो फेस है वो आपको मैच करनी है, तो इसके 2 पॉइंट आपको लेने हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अभी नया एंगल आपको पता नहीं है तो पॉइंट ऑप्शन में जाना है और इसके 2 पॉइंट लेना। आप देखेंगे तो रेफरेंस से उस एंगल पे ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, वैसे ये जो फेस है मुझे यहाँ पे चाहिए, तो रोटेट कॉपी ले लेता हूँ रेफरेंस, अभी इसके 2 पॉइंट लेने हैं आपको रेफरेंस में। नया एंगल पता नहीं है तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो हमें दोनों एंगल नहीं पता है तो भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। तो इसके लिए आपको रेफरेंस का यूज करना है, रेफरेंस एंगल के अंदर आपको जो फेस रोटेट करनी है वो फेस को 2 पॉइंट लेना है, न्यू एंगल में आपको जिस एंगल पे ले जाना है उसके 2 पॉइंट लेना है। तो इस टाइप से अगर आपको एंगल नहीं भी पता है तो भी रोटेट कर, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट टाइप करना है, नहीं पता है तो रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करके आप रोटेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड को दिखाना है तो शेयर कर देना। हमारी आप ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं, उसका एड्रेस है easyvacate.blogspot.com। तो मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, थैंक यू।